मुंबई के सीएस जोशी कॉलेज के छात्राएं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने निकली। 1400 किलोमीटर तय कर रतलाम पहुंची मुंबई की छात्राएं। दरअसल मुंबई के सीएस जोशी वुमेन्स कॉलेज का यह ग्रुप 22 नवंबर को जम्मू कश्मीर से यात्रा शुभारंभ कर रतलाम पहुंचे। साइकिल से ही कन्याकुमारी तक पहुंचेंगे। नुक्कड़ नाटक कर हर शहर में दे रहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इसका एम है और हम लोग ने जम्मू से स्टार्ट किया है, तो हम लोग का टूर का पूरा कश्मीर टू कन्याकुमारी तक का है जो 3700 किलोमीटर है। एक वो हमारी कॉलेज से ही शुरू हुआ है, घाटकोपर मुंबई में कॉलेज है, श्रीमती एसपीएन जोशी वुमेन्स कॉलेज है। वहाँ से हम लोग का ये जो कोच है संजय पाटिल, उन्होंने एक साल पहले ये प्लान बनाया था और उनका ये थीम था, तो अभी हम लोग 60 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम लोग की डायमंड जुबली है, तो हम लोग का ये एक एम था कि ये साल में ये भी काम करना है। नीता ठक्कर ने बताया कि लगभग 100 किलोमीटर रोज चलना होता है जिसमें समय 6 से 7 घंटे का समय लगता है। हमारा ये उद्देश्य है कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग शिक्षा दें, क्योंकि हमारे कॉलेज जो है वो एक महिलाओं का कॉलेज है जिसका मोटो ये है कि सुसंस्कृत नारी जगत कल्याणकारी, मतलब एक पढ़ी लिखी औरत ही समाज का विकास कर सकती है। और जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो जो हमारी बेरोजगारी की समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। इसके लिए लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है, लड़कियों को बढ़ाना है आगे।